पर आज हम लोग मिशन मैथमेटिक्स की क्लास 9 की जो कार्यपत्रक है रेखा और किरण वाली 10/8/2023 की, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पूरक और संपूरक कोणों के बारे में बात करेंगे। देखो, पूरक और संपूरक कोणों की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा, पूरक कोण वो होते हैं जिनका योग क्या, ठीक, जिनका योगम जो है, या बोल सकते हैं एक ऐसा कोण जिनका योग 90 हो। कहने का क्या मतलब है, अगर x प्लस वाई 90 है तो आपका क्या हो जाएगा, वो पूरक होंगे। बट अगर x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई जो है 180 हो जाए तो ये हो जाते हैं संपूरक। देखो, निम्नलिखित कोण का जो है पूर्णक कोण ज्ञात कीजिए बोला गया है। जैसे x प्लस 45 इक्वल टू 90, तो आप देखोगे ये एक इक्वेशन बन जाएगी, है ना, यहाँ पर। और x इक्वल टू 90 माइनस 45, जहाँ से x इक्वल टू 45 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 45 होगी। इसी तरीके से संपूरक कोण जब आपको निकालना होता है तो उसमें x प्लस y बराबर 180 लिखते हैं, x इक्वल टू 180 माइनस 125, और x बराबर यानी s बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, 155 हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर आपको ज्ञात करना है, अब देखो ये एक 90 डिग्री बना रहा है, यानी ये एक पूरक कोण है। तो x प्लस वाई यानी x प्लस 30 बराबर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 90 माइनस 30, और x बराबर हो गया जाकर 60 डिग्री, ठीक। इसी तरीके से आप यहाँ होगे तो y प्लस 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180। y बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस 60, y बराबर कितना हो गया, 120 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।